अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी बी के टिप चैनल और मेरा नाम है अहमद अली। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आज के दिन ही लॉन्च किए गए हुआवे P20 और P20 Pro के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो जो हुआवे P20 की डिस्प्ले है, ये 5.8 इंच हुआवे डिस्प्ले है। ये फुल व्यू IPS LCD है। इसकी जो रेजोल्यूशन हमें प्रोवाइड कर दिया है वो है 2244x1080 की इसकी रेजोल्यूशन, और इसका एस्पेक्ट रेशो 18:7:9 इसका एस्पेक्ट रेशो है। जबकि जो हुआवे P20 है उसकी 6.1 इंच की हुआवे फुल व्यू OLED डिस्प्ले है, OLED डिस्प्ले है। जो इसकी रेजोल्यूशन है वो है 2240x1080 की रेजोल्यूशन सेम है, और एस्पेक्ट रेशियो भी इसका 18:7:9 इसका एस्पेक्ट रेशियो है। आगे बात कर लीजिए इसके प्रोसेसर की। तो हुआवे P20 और P20 Pro के अंदर सेम प्रोसेसर लगा हुआ है, वो है हुआवे काइरिन 970 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 4 कोर टेक्स। इसके अलावा हमें NPU भी देखने को मिल जाता है। आगे इसकी बात कर लीजिए GPU की। तो जो दोनों के अंदर GPU लगाए गए हैं, GPU भी दोनों के अंदर सेम लगाए गए हैं, अब वो है माली G72 MP12। ये दोनों के अंदर GPU सेम लगे गए। जबकि रैम जो है, जो P20 है उसके अंदर हमें रैम 4GB देखने को मिल जाती है, LPDDR4। लेकिन जो है जो P20 Pro है उसके अंदर हमें 6GB LPDDR4 की रैम देखने को मिल जाती है। अगर फिंगरप्रिंट की स्कैनर की बात कर लीजिए तो P20 और P20 Pro में हमें दोनों में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को भी मिल जाता है। स्टोरेज की बात कर ली जाए तो दोनों में बाय डिफॉल्ट में 128GB की स्टोरेज देखने को मिल सकती है, जो बाकी मोबाइल्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा। अब कैमराज की बात कर ली जाए तो जो P20 है उसका रियर कैमरा हमें 12 मेगापिक्सल का मिल जाता है, जिसकी फोकल लेंथ 1.8 है, और इसकी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग हमें 30 FPS तक प्रोवाइड कर देता है। जबकि जो फ्रंट कैमरा है वो 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, इसकी फोकल लेंथ 2.0 है, और अपर्चर और फोकस इसका फिक्स है। और जो P20 Pro है उसके अंदर हमें रेड कैमरा 40 मेगापिक्सल का मिल जाता है, जिसकी हमें इसकी जिसके अंदर हमें हाइब्रिड जूम मिल जाता है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग हमें 30 FPS तक मिल जाती है, और इसके 3x ऑप्टिकल जूम भी हमें मिल जाता है। जो इसका फ्रंट कैमरा है वो हमें 24 मेगापिक्सल का मिल जाता है, और इसके भाई फिक्स अपर्चर और फोकस फिक्स है। आगे बात कर लीजिए बैटरी की। तो जो हुआवे P20 है उसकी हमें 3400mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। जो बैटरी है ये नॉन रिमूवेबल है, और जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है वो हुआवे सुपर चार्ज है। जबकि P20 Pro के अंदर हमें 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, ये भी नॉन रिमूवेबल है, और चार्जिंग टेक्नोलॉजी इसके अंदर भी हुआवे सुपर चार्ज है। IP रेटिंग की बात कर लें तो जो हुआवे P20 है उसके अंदर हमें IP53 देखने को मिल जाता है, जबकि जो हुआवे P20 Pro है इसके अंदर IP67 देखने को मिल जाता है। आगे बात कर ली जाए इसकी सिम की बात कर ली जाए तो ये हुआवे P20 जो है ये डुअल सिम है, प्राइमरी हुआवे ये डुअल सिम, प्राइमरी सिम इसकी 4G भी है, और जो सेकेंडरी सिम है वो भी हम 2G, 3G या 4GB भी चला सकते हैं। जबकि P20 Pro की बात कर ले तो इसके अंदर भी डुअल सिम है, प्राइमरी सिम इसकी 4G भी है, और सेकेंडरी सिम जो हम लगा सकते हैं वो 2G, 3G या 4G टेक्नोलॉजी की यूज़ कर ले जाए। अब इसके अंदर हेडफोन जैक की बात कर लीजिए तो P20 और P20 Pro दोनों के अंदर ही हमें हेडफोन जैक नहीं देखने को मिल जाती है। कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए तो P20 के अंदर हमें वाईफाई 2.4G डायरेक्ट सपोर्ट है, इसके अलावा ब्लूटूथ 4.2 और सपोर्ट BLE APTX HD और LDAC HD ऑडियो को सपोर्ट करता है, USB टाइप सी की इसके साथ चार्जिंग है, और NFC भी हमें मिल जाता है। जबकि P20 Pro के अंदर वाईफाई 2.4 इसके अंदर डायरेक्ट सपोर्ट है, ब्लूटूथ 4.2 और बाकी स्पेसिफिकेशंस भी इसकी सेम है। आगे बात कर लीजिए सॉफ्टवेयर की। तो जो हमें P20 के अंदर देखने को मिल जाता है Android 8.1 Oreo EMUI 8.1, और P20 Pro के अंदर Android 8.1 Oreo EMUI 8.1। कलर्स की बात कर लीजिए तो P20 के अंदर हमें मिल जाता है ट्वेलाइट ब्लैक, मिडनाइट ब्लू, कैंपेन गोल्ड, शैम्पेन गोल्ड और पिंक गोल्ड। जबकि P20 Pro के अंदर हमें मिडनाइट ब्लू, ब्लैक, पिंक, गोल्ड, ट्वेलाइट मिल जाता है। डायमेंशन और वेट की बात कर लीजिए तो जो P20 है उसके अंदर उसकी डायमेंशन है 149.1mm x 70.8 x 70.6, और इसका जो वेट है वो 165 ग्राम है। जबकि P20 Pro की बात कर लीजिए तो इसकी जो डायमेंशन है वो 155mm x 73.9 x 70.8 है, और जो इसका वेट है वो है 180 ग्राम। तो दोस्तों ये था आज का कंपैरिजन P20 और P20 Pro के बाद। इसके अलावा आपको पता चल ही गया होगा कि इन दोनों में से अच्छा फ़ोन कौन सा है, और वो है हुआवे P20 Pro। इसके स्पेक्स उसके लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और मेरे ख्याल से ये यूज़ करने में भी काफ़ी अच्छा होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में अगर कोई मसला हो तो आप ज़रूर लिखें। इट्स अहमद अली गोइंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।